أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما آمنت بالله صدق الله العظيم مدينة مركز مهر و وفا ہے مدینہ مصدر جود و سخا ہے مدینہ حسن فطرت کا ہے مرکز مدینے میں جمال مصطفیٰ ہے میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے اور عرش اعظم سے جی اس کی بڑی شان ہے روزہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے روزہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے
जिसका हम पल्ला कोई मोहल्ला नहीं, जिसका हम पल्ला कोई मोहल्ला नहीं, एक ऐसा मोहल्ला मदीने में है, जिसका हम बल्ला कोई मोहल्ला नहीं, एक ऐसा मोहल्ला मदीने में है। और सरवरे दो जहां से दुआ गे मेरी, चश्मे तरे उनसे ये इल्तिजा गे मेरी, चश्मे तरे उनसे ये इल्तिजा गे मेरी, के उनकी फहरिस्त में मेरा भी नाम हो, उनकी फहरिस्त में मेरा भी नाम हो, जिनका रोजाना जाना मदीने में है, मेरी उल उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोजा मदीने में है। और फूल खिलते हैं पड़े पड़ के सल्ले आला, झूम कर कह रही है ये बादे साबा, झूम कर कह रही है ये बादे साबा, के ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, जो मेरे मुस्तफा के पसीने में है, मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोजा मदीने में। जज़ाकअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, नवाए रमज़ान के एक और एपिसोड में आपको खुशामदीद कहता हूँ। ये प्रोग्राम आप हर सपहर शाम 6 बजे आरपी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से स्टैक ग्रुप ऑफ कॉलेजेस मुल्तान के ताबून से देखते हैं। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करते हैं मुख्तलिफ मौजूआत पर। गुज़श्ता प्रोग्राम में हमने गुफ्तगू की थी बाअदब बानसीब, इस मौजू पर प्रोफेसर मुनीर हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू के सिलसिले को इस प्रोग्राम में भी हमने बेहतर समझा कि वहीं से आगे जारी रखा जाए, क्योंकि मौजू की हसासियत और मौजूदा दौर में ख़ास तौर पर तलबा व तालबात में, हमारे माशरे को, समाज को इस मौजू की बहुत ज़रूरत है। हम इस वक्त दुनिया में तकरीबन हर शोबे में ही सबसे पिछली सफ में खड़े नज़र आ रहे हैं, तो हो सकता है कहीं ना कहीं इसका ताल्लुक हमारे रवैयों से हो। हम सीख तो रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, हमारे पास टेक्नोलॉजी के भी बहुत से वसाइल और ज़राए मौजूद हैं, मुख्तलिफ शोबों में उनको इस्तेमाल भी किया जा रहा है। इसके बावजूद हमें दुनिया की कौमों में वो मकाम हासिल नहीं हो पा रहा जिसका एक बावकार कौम होने के नाते तकाजा समझा जा सकता है। तो हमने सोचा कि इस मौजू पर ज़रूर सोचा जाए, और हम सबको सोचना चाहिए, हमारे उलमा को, अहले इक्तदार को, अहले इख्तियार को, असातिज़ा को,
और तलबा तलबात को ज़िंदगी के हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को इस अमर पर सोचने की ज़रूरत है कि सीखने के अमल के बावजूद, तरक्की के ज़राए मौजूद होने के बावजूद, हम तरक्की का वो जो हमारा ख्वाब है उसे क्यों शर्मिंदा ताबीर नहीं कर पा रहे। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए और प्रोफेसर साहब की जानिब जाने से पहले मेरे जहन में एक मुख्तसर सा वाक्या आ रहा है। वो वाक्या मुख्तसर भी है और मुख्तसरन अर्ज भी करता हूँ, लेकिन वो वाक्या है बहुत बड़ा। नाज़रीन मोहतरम, हम सब अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं और अल्लाह ताला और आप नबी करीम अलैहिस्सलाम से मोहब्बत रखते हैं। सूरतुल हुजरात, जी हाँ, कुरान हकीम की सूरतुल हुजरात की एक आयत मुबारक है, उसका मफहूम अर्ज कर रहा हूँ। आप सूरतुल हुजरात में जाके देख सकते हैं। हाफिज़ कुरान नहीं हूँ इसलिए पूरी आयत मुझे ज़बानी याद नहीं है, अलबत्ता सूरतुल हुजरात का मैंने हवाला दे दिया है और इसका मानी और मफहूम आप इसे बहुत से लोगों ने सुन रखा होगा इससे पहले भी। जिस आयत की तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ वो हज़रत नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अदब और एहतराम से मुतालिक है। अल्लाह ताला जिसने हज़रत नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रहमतुलिल आलमीन की खिल्लत अता फरमाई, खुद उसी रब ने आप नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में जब कुछ लोगों ने गुस्ताखाना अंदाज इख्तियार किया तो उसकी उसकी जलालियत और उसकी रबूबियत जोश में आई और उसने कुरान नाजिल फरमा दिया और कयामत तक आने वाले मुसलमानों को ये तंबीह कर दी कि खबरदार, इस चीज़ से, इस चीज़ पर ख्याल रखना, एहतराम और अदब का दामन हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो शान के मुताबिक है उस एहतराम और अदब का दामन कतन तुम्हारे हाथों से न छूटने पाए। तो आयत मुबारका का मफहूम है कि अपनी आवाज़ों को हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आवाज़ों के सामने पस्त रखो, कहीं तुम्हारे आमाल न ज़ाया हो जाएं। तो नाज़रीन मोहतरम, बड़ी गौर तलब बात है ये कि आमाल जो मेरी और आपकी कमाई होते हैं, हम मुशक्क़त से उन्हें हासिल करते हैं। नमाज के लिए एक एहतमाम होता है, पाकिजगी का हुसूल है, वजू है, फिर नमाज की पूरी अदायगी है, रोज़ा है तो सुबह से शाम तक जो है अपने आप को जो है वो भूखा प्यासा रखना है, फिर दीगर जो रोज़े के अवामिल हैं, एहतराम है, उनका ख्याल रखना है, सदकात हैं, ज़कात है, हज है, इन सब में हम अपना वक्त, अपनी माल, अपना अपनी जान सब कुछ खर्च करते हैं। और अल्लाह सुबहान व तआला फरमा रहे हैं कि ख्याल रखना तुम्हारे ये सारे आमाल ज़ाया ना हो जाए। उसकी वजह क्या फरमाई कि तुम्हारी आवाज़ हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आवाज़ से कहीं बुलंद ना हो जाए। तो नाज़रीन, हमारा अल्लाह ताला हमें खुद अदब सिखा रहा है। मेरी दुआ है अल्लाह ताला मुझे, आपको, हम सबको सबसे पहले अपनी जनाब में और अपने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जनाब में हकीकी और सही अदब की समझ और तौफीक अता फरमाए और फिर तमाम के तमाम शायर इस्लाम और फिर उससे आगे हम कैसे कैसे बढ़ सकते हैं वालदैन की जानिब, असातिज़ा की जानिब। तो आइए हम इसकी तफसीलात जानते हैं प्रोफेसर मुनीर हुसैन साहब से। कहता हूँ अपने प्रोग्राम में, हमने गुज़श्ता प्रोग्राम में गुफ्तगू की थी अदब के हवाले से, तो मैं पहले तो आपसे माजरत चाहता हूँ, मैंने आपका वक्त ले लिया। अच्छी बात है, वो सीरत के हवाले से, आसम की शान के हवाले से आयत का मफहूम याद आ गया, तो मैंने चाहा कि वो अपने नाज़रीन की खिदमत में पेश कर दूँ। तो मैं चाहूंगा कि हम अपनी गुफ्तगू के सिलसिले को वहीं से आगे बढ़ाएं जहां गुज़श्ता प्रोग्राम में जो है हम जी आपकी बात को ही मैं आगे बढ़ाऊंगा जी, आवाज को नीचे रखें। तो उस्ताद का भी अदब यही है कि जब उस्ताद आ जाता है क्लास में तो आप एहतरामन खड़े हो जाएं। तो आप सल्लम ने खुद को भी उस्ताद ही फरमाया, और उस्ताद की आवाज जब गूंजने लगे तो आप खामोश हो जाए और वहां पे आपने सवाल करना है, सवाल पूछना है कि उस्ताद से सीखना है आप। और बिल्कुल इस तरह हदीस के वालदैन के सामने उफ तक ना कहो, ये भी अदब है, बाद भी है, क्योंकि ये क्या है इसका मकसद, मैं बच्चों को बता दूं कि उफ कहने का क्या मकसद, ये है कि आप घर के बाहर से आते हैं थके हुए, अगर आप काम करके आए हैं या पढ़ के भी आए हैं और आपकी वालदा या वालिद आपको कोई काम कह दे और आप थकन के मारे कह दो उफ, तो इससे भी मना फरमाया। तो ये है अदब। और इसी तरह सर, आपने गुज़श्ता प्रोग्राम में ये फरमाया था कि अपने से बड़ों के सामने जो है वो काफ वाले अल्फाज यानी कब, क्यों, कैसे ये नहीं अदा करने, ये मैंने बताया था जब आप रूहानी को इल्म हासिल करते हैं, रूहानियत में ये चीज है, रूहानी जो आप अगर उस्ताद से नहीं पूछेंगे तो सीखेंगे कैसे। रूहानियत वो तो जो आप जिसके पास बैठे हैं वो तो आपको बताएगा, उससे सुनना है आपने,
उससे आपने क्यों कब कैसे करके उसकी बातों से उसका तो इल्म हासिल, तो ऐसे लोग मिलते ही कम है आजकल, तो वैसे ही कम है। तो ये पुराने जमाने का बता रहा हूँ, जो लोग रूहानी इल्म हासिल किया फिर इस्लाम को फैलाया, तो वहां पर जाहिर बात है। अब हजूर साहब की मिसाल ले लें, अगर वो कोई वाकया सुना रहे हैं तो आप सुनेंगे, सहाबा कराम सुनते थे, बाद में पूछते थे, तो मकसद ये होता है। हाँ, एक अंदाज है, उस्ताद से भी पूछेंगे, मतलब लहजा मानी रखता है। जी जी, उस्ताद से तो ये ना कि आप किसी टाइम भी पूछ सकते हैं, मतलब कोई रूहानी इल्म तो नहीं है, दीन दुनिया का इल्म, उसे आप फन कह लें। जी जी, उसमें तो जाहिर बात है आपने पूछना है, क्रॉस क्वेश्चनिंग करनी है, लेकिन जब आपने रूहानियत सीखनी है तो वहां पे आपको अदब का तकाजा बढ़ जाता है वहां पे। अच्छा, उस्ताद से पूछते हुए भी वो भी मतलब सवाल के अंदाज से पता लग सकता है, बच्चे खुद भी इस चीज को जज कर सकते हैं कि यार जो आपका लबो लहजा है वो क्या बता रहा है। जी जी, बिल्कुल, आप बेअदबी या गुस्ताखी के तनाजुर में शरारत कर रहे हैं, ऐसे ही है, कुछ सीखने के लिए पूछ रहे हैं। आपको टॉपिक पढ़ाया जा रहा है कायदे आजम का, ठीक है, अब आपको और कायदे आजम की अम्मी का नाम क्या था, भाई वो जरूरी नहीं है, वालिद का नाम बता दिया आपको, अब आपको अम्मी का क्या नाम है, दादा का, बच्चे शरारतें करते हैं, इस तरह की बेअदबियां करते हैं, तो ये बेअदबी के जुमरे में ही आती है। अब आप हुजूर सल्लम की महफिल में क्या होता था, अब हुजूर सल्लम देखें, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उन्होंने भी अदब किया है अपनी रजाई माँ का, बेशक बेशक, जब वो आई हजरत हलीमा तो आपने क्या किया, अपनी कमली बिछा दी, अपनी बेटी का अदब किया है, उनके एहतराम में खड़े हो गए। मैंने कहा ना, मैंने आपको पहले प्रोग्राम बताया था कि अदब जरूरी नहीं है कि छोटे ने बड़े का करना है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अदब कर रहे हैं अपनी बेटी का, अपनी बेटी का, माँ का तो रुतबा है ही बुलंद। इसमें तो मैं ये कहता हूँ, इस्लाम में देखें खवातीन, मेरा जिस्म मेरी मर्जी वाली जो टैग, वो अब उनको इससे सीखना चाहिए कि इस्लाम जितना खातून का अदब सिखाता है कोई नहीं सिखाता। जी जी, कि जब मेरा नबी जो है, को जो हुकूक इस्लाम में मुयस्सर है, जब मेरा नबी, चलो माँ की तो करे सो करे, बेटी की भी इज्जत कर रहा है, बेटी का भी अदब कर रहा है, कोई दीन ऐसा है, कोई दीन बताए मुझे यार ठेकेदार जो बने हुए। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में क्या होता था, एक सवाल पूछा जी, तो दो सहाबा ने हाथ खड़ा किया, तो आपने जिसकी उम्र छोटी थी उसको कहा कि आप ना, जिसकी जो आपसे उम्र में बड़ा है वो इसका जवाब देगा, वो बात करेगा पहले उनका। हाँ, हक है। तो यहाँ पे उम्र के हिसाब से अदब है। अच्छा प्रोफेसर, ये फरमाइएगा, जब बच्चे नौजवान बड़ों की, अपने बुजुर्गों की महफिल में बैठे हों, तो उसमें यहाँ ये बात भी कोई काबिले गौर हो सकती है या इसका भी अदब से ताल्लुक हो सकता है कि वो बगैर, जैसे आपने फरमाया ना कि बड़े को इजाजत दी और छोटे को बोला कि आप बाद में, तो इसी तरह किसी बुजुर्गों की महफिल में बोलने से पहले खुद ये तरतीब बनानी चाहिए कि अगर कोई बड़े बोल रहे हैं तो हम चुप हो जाएं, या किसी भी वक्त आप बगैर इजाजत के भी बोल सकते हैं। बिल्कुल, आपके सवाल का जवाब इसी वाक्य में है जो कि मैं बताने लगा था अभी, कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल पूछा वो कौन सा दरख्त है जिसके पत्ते नहीं गिरते, तो किसी ने जवाब ना दिया, आपने फिर बताया कि वो खजूर का दरख्त है। तो बाद में एक सहाबी ने बताया कि मुझे इसका सवाल का जवाब आता था, अल्लाह अल्लाह, कि खजूर का दरख्त है, लेकिन मैंने क्यों जवाब ना दिया, क्योंकि इस महफिल में मुझसे बड़े कई लोग मौजूद थे, अगर मैं जवाब दे देता तो उनकी बेअदबी हो जाती, अल्लाह, क्या बात कि वो कहते देखो जी हम बड़े होके जवाब नहीं दे सके, छोटे ने जवाब दे दिया, तो ये देखें ये अदब, ये अदब, ये हम पढ़ें सीखें तब ना, ये चीजें हमारे कोर्स में नहीं से पढ़ाई जाती। इस्लामियात को हमने जस्ट 50 नंबर का रखा हुआ है, और वो भी बच्चा साल में मेरे ख्याल हफ्ता पढ़ता होगा, तो बड़ी जरूरत है शदीद इन चीजों की जो है वो तालीम आम की जाए। तो सर हम इस पर मजीद गुफ्तगू करेंगे, मुझे इजाजत दीजिए ब्रेक के लिए। नाज़रीन मोहतरम, हम गुफ्तगू कर रहे हैं बा अदब बा नसीब, वक्त हुआ यहाँ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहता हूँ। ये प्रोग्राम नवाए रमज़ान आप आरपी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से और स्टैक ग्रुप ऑफ कॉलेजेस मुल्तान के ताबुन से देख रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, हम गुफ्तगू कर रहे हैं बा अदब बा नसीब, बे अदब बे नसीब। ब्रेक पर जाने से पहले प्रोफेसर फरमा रहे थे कि जब एक सहाबी ने हुज़ूर सल्लम की महफिल में पूछे गए सवाल का जवाब इस वजह से ना दिया कि उस मजलिस में, उस महफिल में उससे बड़ी उम्र के लोग मौजूद थे और उन्होंने उसका जवाब नहीं दिया था, तो उन्होंने ये ख्याल किया कि मेरा जवाब देना जो है वो बेअदबी
में शुमार होगा। अपने तई ये उन्होंने डिसाइड किया कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये वाकया जो है वो बहुत ही खूबसूरत मिसाल है आज के नौजवानों के लिए, तलबा तालबात के लिए, बल्कि हम सब के लिए, कि हम सब अपनी अपनी जगह पर रहते हुए अपने से सीनियर लोगों का, अपने से बड़े लोगों का, चाहे वो हमसे बड़े किसी भी तनाजुर में हों, बल्कि प्रोफेसर मुझसे इत्तफाक करेंगे कि जरूरी नहीं उम्र में बड़े हों, इल्म में बड़े लोग भी हो सकते हैं, बजाय हो सकता है मुझसे उम्र में कम हो, लेकिन जो मुझसे इल्म में बड़ा है, रुतबे में बड़ा है, जिसे अल्लाह ताला ने इज्जत ज्यादा दी है, तो हमें अगर खुद को आगे बढ़ाना है, खुद को एक कामयाब इंसान और एक सेटिस्फाइड, जैसे कि प्रोफेसर साहब ने फरमाया कि कामयाबी जो है और जो बानसीबी है वो दरअसल सेटिस्फेक्शन है, तो अगर हमें अपने अंदर सेटिस्फेक्शन चाहिए, हमें सक्सेस चाहिए, तो हमें अदब को जो है वो अपना ओढ़ना बिछोना और अपना जो है वो जोरे बाजू बनाना होगा। तो आइए हम एक बार फिर बढ़ते हैं प्रोफेसर साहब की जानिब और उनसे मजीद गुफ्तगू करते हैं। मैं तो ये चाहूंगा कि हम उनसे कहें कि हमें इस मौजू पर मजीद वाकयात सुनाएं, ताकि मुझे, आपको, हम सबको जो है ना एक तहरीक मिले और एक मोटिवेशन मिले। हम इस प्रोग्राम के अख्तिताम से कबल जो है वो ये इरादा कर लें कि आइंदा की हमारी जिंदगी में अदब और अखलाक जो है वो हमारा जो है वो हमारी शख्सियत का और हमारे मिजाज का बुनियादी जेवर होगा। जी प्रोफेसर, आपकी बात, जैसे आप कह रहे थे कि हम महफिल में बैठे हुए हैं तो छोटा जो है बड़ा, तो अब तो वो चीज ही खत्म हो गई है। अब ये जो आपकी महाफिल है ना, ये अब आपके हाथ में आ गई है, यानी व्हाट्सएप ग्रुप, ये क्या है? ये भी एक, अगर आपके खानदान का ग्रुप बना हुआ है, फैमिली मेंबर्स का बना हुआ है, दोस्तों का बना हुआ है, तो उसमें भी आपने अदब का ख्याल रखना है। कोई ऐसा फिक्रा नहीं लिखना जिससे किसी भी ग्रुप मेंबर की दिल आजारी हो। और हम करते क्या है, हम चुन के स्टेटस ऐसे लगाते हैं, इवन हम स्टेटस लगा रहे होते हैं तो वो भी चुन के हम किसी एक बंदे करने के लिए, और हम करते क्या है, सेटिंग में जाके स्टेटस ओनली सीन दैट मैन, जिसके लिए हमने स्टेटस, यानी स्टेटस के जरिए भी हम क्या कर रहे हैं, तंज कर रहे हैं, बेअदबी कर रहे हैं। यानी अगर आपको कोई चीज, हालांकि स्टेटस आप लगा रहे होते हैं उन पे खुद अमल नहीं कर रहे होते, लेकिन क्या दूसरों को अच्छा दिखाने के लिए, तो बेअदबी ये नहीं है कि आपने किसी से बदतमीजी कर दी है, किसी को नीचा दिखाना, किसी को डिग्रेड करना, बहुत अहम, बहुत अहम, ये भी बेअदबी है। कि अल्फाज से हो जी, अपने इन रवियों से भी हो सकती है। सही फरमाया। मेरे घर मोबाइल गुम हो गया तो शक पड़ा कि वो एक दर्जन आती थी उसका भाई शायद ले गया हो। अच्छा, इत्तफाक से उस दर्जन का भाई था वो तरबूज की वो लगाता था रेडी, वो जो बैठ जाते ना तरबूज ले गए वो काफी सारे, तो मैं अचानक जाके जो छापा मारा तो वहां से वो मोबाइल उसने चार्जिंग पर लगाया हुआ, उसका बाप भी था। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, मैंने, क्योंकि अगर यहाँ पे ये मैं इसकी बेइज्जती कर दूं सबके सामने तो अब वो अभी नौजवान है वो क्या करेगा। तो यहाँ पे हमें तरबियत में ये करना है कि दूसरों का ख्याल करना है कि दूसरों अपना, हालांकि उससे नुकसान पहुंच चुका है हमें जी, लेकिन हमने फिर भी ख्याल करना है कि वो मुआशरे के लिए नुकसानदेह मजीद साबित ना हो। उसको बाद में प्यार से समझा दिया कि बेटा ऐसा नहीं करना। तो उस्ताद का रोल तो बहुत ज्यादा है। अब आजकल जो स्टूडेंट्स हैं वो यकीन करें, मैं ये ग्रुप्स की बात कर रहा हूँ, तो आपने मुझे हफ्ता पहले टॉपिक दिया था तो बीच में एक वाक्य ऐसा पेश आ गया, बच्चे ने बेअदबी कर दी या मतलब उसके ऊपर व्हाट्सएप ग्रुप पे, और फिर आगे से किसी ने उसको कुछ नहीं कहा, मैंने फिर वो ग्रुप लेफ्ट कर दिया। खैर फिर बच्चों को समझाया, इत्तफाक ऐसा हुआ फिर मुझे कुछ पुराने स्टूडेंट्स मिले तो उससे मेरी तशफी हुई दिल की कि नहीं बाअदब भी मौजूद है। और 10% लोग होते हैं एज ए टीचर आपकी जिंदगी में तो ये एक आम सी बात है। अच्छा, मैं यहाँ से ये जानना चाहूँगा आपसे कि ये जो इस वक्त हम अपना माहौल देख रहे हैं कि हमारी महाफिल से, हमारे नौजवानों से, हर तबके फिक्र से जो है ना वो अदब उठ चुका है, उसकी जगह जो है वो बेसब्री और मुंह पे बात कहना, इसको जो है ना वो गोया अपने खड़ा होने की एक दलील समझी जाती है, छोटे बड़े का ख्याल रखे बगैर। तो ये जो कल्चर है ये क्यों परवान चढ़ गया, आप क्या समझते हैं और इसका तदारुक कैसे मुमकिन है? देखिए, परवान ऐसे चढ़ गया ना कि आपने पढ़ाया क्या है, जो आपने तालीम दी है तो तालीम आप तीन हिस्सों में डिवाइड कर दी आपने। मदरसे की तालीम अलग है, जो मदरसे में तालीम हासिल कर रहे हैं उनको दुनिया का कुछ नहीं पता, और जो दीन की तालीम, दुनिया की तालीम हासिल कर रहे हैं उसमें भी दो कैटेगरीज हैं, एक लो लेवल पे सरकारी बच्चा है, एक प्राइवेट में पढ़ रहा है। प्राइवेट वाला जो है उसको कुछ पता ही नहीं है क्या होते हैं एटिकेट्स वगैरह, बस ये है बोलना सीख जाता है, अच्छा वो इंग्लिश बोलना अच्छी सीख जाता है, कहते हैं लो जी बड़ा अच्छा हो गया।
अब तरबियत का उनसे सिरे से गायब है। बिल्कुल बिल्कुल। और सरकारी स्कूल में मोस्टली बच्चा पढ़ रहा है तो वहां उस्ताद ने जाने छोड़ा हुआ है, अपने कारोबार मजीद चलाए हुए हैं। तो ये तालीमी निजाम, बेहतरीन तालीमी निजाम, एक तालीमी निजाम ही इस मसले का हल है। जापान में 99% लोग एक ही तालीमी निजाम से निकलते हैं, 1% वो होते हैं जो दिमागी तौर पर इस काबिल नहीं होते पढ़ सकते, और उसमें भी तरबियत को अवलियत हासिल है। आप जापान में देखिए एजुकेशन, मैं भी एक जगह एक रिपोर्ट देख रहा था, तो मैं चाहूंगा कि आप ये जापान का हवाला दे रहे हैं, थोड़ा सा इस रिपोर्ट की वजाहत कर जी। जापान में देखें, हालांकि वो कोई ये नहीं है कि मुसलमान है, कोई इस्लाम को मानते हैं, लेकिन वहां पे बच्चा बच्चा बचपन से उसको ऐसी तरबियत होती है कि जो चीज खाना खाए कोई चीज डस्टबिन में डालनी है, कोई भी उठाना है, सफाई करनी है, स्कूल की सफाई बच्चे खुद कर रहे होते हैं, वहां पे उन्हें कोई रखना नहीं पड़ता, कोई जमादार वगैरह, कोई मासी वगैरह नहीं रखनी पड़ती, खुद करते हैं। इवन वो अमेरिका यूरोप में कई ऐसी सीसीटीवी फुटेजेस मौजूद हैं कि उन्होंने जहां भी गए हैं वो गंद जो भी मचाया उसको गंद को उन्होंने इकट्ठा किया है और उसको एक जगह डाला है और फिर गए हैं सच बोलने में। और ये हमारे दीन का बुनियादी सबक है, लेकिन आज हम ये ऐसा करने में समझ रहे बिल्कुल किसी स्कूल में मेरे ख्याल में करवा लिया जाए तो अगले दिन जो है जी वो क्यों क्यों करवाया, क्यों करवाया, तो आपने हमारे बच्चे की बेअदबी कर दी है, दुरुस्त फरमा रहे हैं। अच्छा प्रोफेसर, एक छोटा सा आपकी इजाजत से, अभी जो आपने वो एक सहाबी वाला वाकया सुनाया था जी जी, हजरत हसनैन करीमैन रिजवानुल्लाह अजमईन, जो जिन्हें आप सल्लम ने फरमाया कि जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं आपके नवासे, उन दोनों हजरात के बचपन के हवाले से मुझे एक बात याद आ गई। मैंने भी किसी किताब में पढ़ा या गालबन आप जैसे किसी असातिज़ा में से किसी से सुना, तो मैं मुख्तसरन मुख्तसरन अर्ज करता हूँ और फिर हम जो है वो आपकी जानी बातें हैं बात को मुकम्मल करने के लिए। मैंने पढ़ा ऐसे एक दफ़ा उन्होंने देखा कि मस्जिद में ना कोई बुजुर्ग शख्स आए, मुसाफिर थे और नौ मुस्लिम थे, वजू करने, वजू जब करने लगे ना नमाज की तैयारी, तो अब उन्होंने देखा कि वो वजू जो है वो दुरुस्त तरीके से नहीं कर रहे। तो अब देखें मासूम बच्चे, लेकिन जाहिर है किस अजीमुशान घर से ताल्लुक रखते थे, तो अब उन्होंने आपस में ये फैसला किया, मशवरा किया कि अगर तो हम बाबा जी को ये बोलते हैं कि वजू ऐसे नहीं ऐसे करने, तो गुस्ताखी हो जाएगी, बेअदबी हो जाएगी, वो बुजुर्ग हैं हमारे। तो अब उन्होंने ये तरीका इख्तियार किया कि उनको मुखातिब करके फरमाया कि हम वजू कर रहे हैं, आप देखें क्या हम कुछ उसमें गलती कमी तो नहीं छोड़ते। तो यानी गोया जहन तो ये था कि भाई पूरा वजू परफॉर्म करके दिखा देंगे, खुद उनको भी अंदाजा हो जाएगा कि वो क्या उसमें छोड़ रहे हैं या मिस कर रहे हैं। लेकिन देखे सुभान अल्लाह कितना खूबसूरत तरीका इख्तियार किया। मजीद क्या फरमाएंगे इस सिलसिले में? मेरा तो मकसद है, मैं तो सवालों जवाब से निकल के ना अब मैं इस तरफ आ गया हूँ कि आप बस ऐसे हमें सुनाते चले जाएं, और मैं कह रहा हूँ कि हमारे नौजवानों को तहरीक मिले, जो क्या कहते हैं अरस्तु के जी तालिब इल्म थे सुकरात बुकरात, उनकी भी मिसाल मौजूद है कि वो एक जगह जा रहे थे तो वो आगे आगे क्या कहते हैं एक जंप सा आ गया दो पहाड़ियों के दरमियान, तो वो फिर अरस्तु को क्रॉस करके उन्होंने जंप ले लिया। तो बाद में पूछा गया हमने आपकी वो बेअदबी तो नहीं की, हम इसलिए पहले किया कि अगर गिरना होगा तो हम गिर जाएंगे वरना हम कभी भी आपसे आगे ना निकलते। तो ये देखें ये तो एक गैर मुस्लिम हजूरों के आने से पहले की बात है। हाँ जी बिल्कुल। इसी तरह से वो खलीफा हारून रशीद की मिसाल है कि वो उस्ताद के जूतियां जो है वो उठा के, तो अदब जिसमें और वो बादब बानसीब है बादब। अच्छा देखिए वो सुभान अल्लाह वालदैन भी कैसे थे कि वो वालदैन यानी खलीफा खुद इस चीज पर फख्र कर रहे हैं कि मेरे बच्चे जो है वो, और खुश हो रहे हैं कि मेरे बच्चे जो है वो उस्ताद की जूती उठाने में झगड़ रहे हैं आपस में, कि वो चाह रहा है कि मैं उठाऊं और वो चाह रहा है मैं उठाऊं। तो मेरे ख्याल में कि जहां हम नौजवानों की बात कर रहे हैं वहां आज के वालदैन को भी ये चीज समझने की जरूरत है कि जो है वो वालदैन तलबा का बच्चों का असातिज़ा से ताल्लुक जितना मजबूत होगा और अदब पर मबनी होगा उनकी कामयाबी जो है वो उतनी आसान होती है। आजकल तो बिल्कुल ये उल्टी हो गया ना, तो उस्ताद को भी ऐसे समझते हैं जैसे कोई खरीदारी कर रहे हैं चीज खरीद रहे हैं जी, ये इंतहाई वाकई काबिल है। इवन स्टूडेंट्स जो हैं वो अभी हुआ था कोई कि पेपर देने आपने ना पेपर देना चाहे दे सकते हैं दोबारा, मतलब रिपीट करना चाह रहे हैं जी, तो इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए कोई टाइम कम था, तो एक बच्चे का फोन आया कि सर वो मैंने इम्प्रूव करना है, तो उसे मैंने कोई 1-1.5 महीने की फीस बताई 5,000 के इस पर सब्जेक्ट फीस है क्योंकि पूरी बुक रिवाइज करनी है, तो उस पर उसने आज फलां अकेडमी 2,500 ले रही है, फलां 2,000 ले रही है, फलां 1,000 ले रही है, मेरे मोबाइल में आज भी उसका नाम रेट ऑफ अकेडमीज के नाम से सेव है। मैंने तो जवाब दिया, मैंने कहा भाई जो 1,000 रुपये ले चला जाओ उसके पास।
यानी वो अदब तो पैसे को मियार बना लिया। ट्यूशन पढ़ाने टीचर जाता है तो वहां टीचर का अदब नहीं होता, वो कहते पैसा दिया हमारे घर आ रहा है, तो वहां बच्चों ने क्या अदब करना, बल्कि वो जब चाहे चेंज करवा देते हैं। तो इसीलिए हमारा मुआशरा जो है वो जवाल का शिकार है। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब आपकी गुफ्तगू के लिए, आपने बहुत खूबसूरती से बड़े मुदल्लल अंदाज में जो है वो बादब बा नसीब के हवाले से नाज़रीन मोहतरम आपने भी देखा सुना कि उन्होंने रोशनी डाली, और मुझे यकीन है कि नाज़रीन को सामईन को उनके अल्फाज से और जो वाक़ियात उन्होंने सुनाए ज़रूर तहरीक मिली होगी। और इस बाबरकत महीने में जबकि हम में से हर एक अच्छा करना चाहता है, नेकी की जानिब खैर की जानिब बढ़ना चाहता है, कुछ सीखना चाहता है, तो यकीनन हम सबको भी तहरीक मिली कि हमने जो है अपने सफ़र को और अपने आइंदा आने वाले दिनों को किस तरह से बेहतरीन बनाना है, जिसका नुक्ता आगाज यकीनन अखलाक हसना, खुशगुफ्तारी और जैसा कि जनाब प्रोफेसर मुनीर हुसैन साहब ने फरमाया कि अदब जो है वो उसमें बुनियादी अहमियत का हामिल है। नाज़रीन मोहतरम इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला मुझे आपको हम सबको इस माह मुबारक में की गई हमारी नेकियों को कबूल व मंजूर फरमाए, हम पर अपनी नज़र रहमत फरमाए। नाज़रीन मोहतरम इससे पहले भी हमने जो है वो इसी मौजू पर एक प्रोग्राम किया जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इजाज़त दीजिएगा, हमें हमारे इदारे को उम्मत मुस्लिमों को और सारे पाकिस्तान को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें।